ऐसा भी फोमो मोमो ने हर जगह आतंक मचाया हुआ है, ये एक्चुअली इनका है क्या? रमेश नगर मेट्रो स्टेशन से जब आप आएंगे 372 पिलर नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट है। आ गए हैं हमारे मोमोस, ये तंदूरी और ये वेज। इसकी मैंने तारीफें बड़ी सुनी है, जहाँ देखो इनके कार्ड लगे पड़े हैं, कुछ ऐसा सा कार्ड इनका लगता है। क्या नाम है सरकार? सर संजीव हुआ हमारा नाम। सर ये फोमो मोमो के नाम से ना ये पूरे वेस्ट दिल्ली में मैं पता नहीं कितने कार्ड देख चुका हूँ, मतलब हर जगह ठेले लगे ही पड़े हैं, एक ही ओनर का ये सारी चीजें। बिल्कुल सर बिल्कुल। ऐसा क्या भाई, एकदम से इन्होंने तहलका मचा दिया, ऐसा क्या इनके पास? सर ऐसा होता है, काम करने का एक जुनून होता है, उनके अंदर ये जुनून था, साथ में उनको क्वालिटी देने का बहुत ज्यादा शौक था, तो हम क्वालिटी देते हैं और हमारा हर जगह सक्सेस है काम। प्राइस भी आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ पर है? प्राइस सर हमारा 50 रुपए से स्टार्ट है और एंड है हमारा 210। मेन्यू कुछ ऐसा है इनका, इसमें 5 कैटेगरीज है, 30 कैटेगरी एक प्लेटर में मारी हुई है। 5 कैटेगरीज कैसे हैं? तंदूरी मोमोज है, स्टीम मोमोज है, फ्राइड मोमोज है, ग्रेवी मोमोज है और एक स्पेशल क्रीमी हो गया। ऑनलाइन हो जाती है पेमेंट? हाँ जी सर, हाँ जी, ऑनलाइन कैश दोनों हो जाती है। ओनर का नाम क्या है जिन्होंने ये सारी चीजें खोली हुई? प्रगुण ग्रोवर। मेन ब्रांच कौन सी है? पंजाबी बाग। रानी बाग वाली बाद में खोली है? रानी बाग वाले तो बहुत बाद में खुला है। लेकिन वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी दी हुई है रानी बाग में, मैंने सुना है। जी जी दी हुई है। हाँ जी, प्रॉपर शॉप बनी हुई है। बिल्कुल प्रॉपर शॉप। चीज सेम ही मिलती है? चीज सब जगह आपको सेम मिलेगा, यहाँ पे दुकान पे सारे जगह सेम मिलेगा। और प्राइस में कोई डिफरेंस है जैसे पंजाबी बाग या उधर शॉप में? प्राइस में आपका पंजाबी बाग और वहाँ के शॉप में या फिर यहाँ में रेट में 19-20 का फर्क होगा, वैसे ज्यादातर सेम ही होता है हमारा। ज्यादातर सेम ही होता है, 19-20 का फर्क है जगह के हिसाब से। बेस्ट सेलिंग आइटम आपका कौन सा है? सर हमारा तो तंदूरी है जो आपके सामने ये लग रहा है, ये आप देख सकते हैं, तो ये आपका बेस्ट सेलिंग है? तंदूरी अफगानी हमारा जो है बेस्ट। और प्लेटर में सबसे ज्यादा क्या जाता है? प्लेटर में सर हमारा दूसरे नंबर का प्लेटर है, जिसमें कि 2 पीस तंदूरी का होता है, 2 पीस अफगानी होता है, 2 बटर लेमन होता है और 2 बटर गार्लिक होता है। जो 2 आइटम होता है वो क्रीमी में है और 2 रोस्टेड होता है जो तंदूरी अफगानी होता है। हमें अगर जैसे ट्राई करना है, हाँ जी, तो क्या ट्राई करवाएंगे आप? आप सर यदि क्रीमी पसंद करते हैं तो आप अफगानी लेना चाहेंगे, ठीक है, जो अच्छा होगा क्रीमी में होगा। और वैसे आप यदि चटपटा खाना पसंद करते हैं तो तंदूरी आप खा सकते हैं सर। हाफ भी मिल जाती है? बिल्कुल सर, हाफ। हाफ में कितने पीसेस होते हैं? हाफ में 4 पीस होते हैं और फुल में 8 पीस। ये सारे सब में सेम? सब में सेम होगा। और प्लेटर का क्या हिसाब होता है? प्लेटर में सर 2-2 पीस होते हैं। ओके, और 4 आइटम होते हैं? 4 आइटम होता है, वेज भी है, पनीर भी है और चिकन भी है। नॉन वेज जो होता है वो हलाल होता है या झटका होता है? सर हमारे पास तो झटका का होता है, ग्रोवर साहब में झटका ही होगा, तो ये भी आपकी चीज क्लियर हो गई है। जो मतलब झटका खाते हैं उनके लिए भी क्लियर होगी, जो हलाल खाते हैं उनके लिए भी क्लियर होगी। तो फिलहाल फटाफट से भाई साहब को बोल देते हैं कि तंदूरी मोमोज लगाइए, चटपटे तरीके से खाते हैं इनके फेमस तंदूरी मोमोज। ये जरा दिखाएंगे ऊपर नीचे क्या क्या है? पनीर है, चिकन है, और ये हैं इनके कुरकुरे मोमोज। लग रहे हैं हमारे तंदूरी मोमोज, राइट? ये क्या क्या है इसमें, ये जो येलो येलो रखा हुआ है? ये सर मसाला होता है। अच्छा, दही हो गया, दही में किचन के गरम मसाला, धनिया पाउडर, सरसों का ऑयल होता है, ये सब डल के मसाला बनता है। ओके, अब रख दिया जाएगा तंदूर बारबेक्यू में। इसको तंदूर तो नहीं कह सकते, बारबेक्यू जरूर कह सकते। जो मोमोज जो आपके आए हुए हैं, जैसे ये भैया ने निकाले वहाँ से, वो पूरा पड़ा हुआ है, बने बनाए आते हैं आपके रानी बाग से? हम नहीं, हमारे गोडाउन पे बनता है, ये गोडाउन का माल एक ही जगह बनता है। अच्छा, तो आप फिर वहाँ से हमारे पास आते हैं, क्योंकि हर जगह जितना जितना हमें चाहिए होता है फिर वहाँ से। गोडाउन कहाँ पर है आपका? गोडाउन हमारा है सर विष्णु गार्डन। और ये कब बनता है और कब आता है? ये हमारा सर मॉर्निंग में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तकरीबन आपका 9 बजे से, और ये अब दुकान पे है, जैसे रानी बाग है तो वहाँ 2 बजे बंदे जाना चालू हो जाते हैं, तो 2 बजे माल पहुँच जाता है। अब हम लोग लगाते हैं यहाँ 5 बजे सर, तो तकरीबन 4 बजे बंदे लेकर गोडाउन से निकल जाते हैं, तो हमारे पास पहुँच जाता है वही 4:30 बजे तक। मतलब उसी दिन बनता है? हाँ जी, हाँ जी, सेम डे बनता है। और हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं बनाते, हम उतना ही बनाते हैं जितना कि हमारा निकल जाए, चूँकि 3-4 हज़ार के आसपास का हमारा राउंड जो है लगता है, और ऊपर भी हो जाता है, तो वो हम मार्केट के हिसाब से फिर उसको हम बनाते हैं। जैसे वीकेंड होता है तो उस टाइम हमारा थोड़ा सा होता है, तो फिर हम ज़्यादा बनाते हैं। टाइमिंग क्या रहती है इसके, आपके कार्ट लगने की? टाइमिंग है हमारा 5 बजे से रात के 12 बजे तक। क्या डाल रहे हैं भाई? देगी मिर्च और चाट मसाला और लेमन, और लेमन, ये ओनियन डल गया आपका, ये धनिया, ये आपका बटर, और ये हो गई सर्विंग।
वेज नॉन वेज से ज्यादा टेस्टी होता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है क्या कि यदि जो नॉन वेज खाने वाला है उसको तो नॉन वेज पसंद आता ही है, और जो वेज के प्रेमी है ना वो हमारे पास तो वेज खा के वाकई दीवाना हो जाते हैं, क्योंकि वेज हमारा बहुत ही टेस्टी होता है। हम तो ऐसे भी कस्टमर को चेक कराते हैं, क्या कि अब जैसे किसी को कोई नॉन वेज खा रहा है वेज का उसको आइडिया नहीं कि हमारा कैसा है, हम उसको स्पेशल चेक कराते हैं कि आप टेस्ट तो करो कि कैसा है। वैसे ही हम आपको भी टेस्ट कराएंगे, आप भी बताओ कैसा है। थैंक यू। ये मिंट की चटनी है, ये चिली है, और ये मयो। ये हमारे तंदूरी मोमोज हैं, और ये एक वेज मोमोज भैया से डलवाए हैं। ऊपर से आ गया ओरिगैनो वेज के ऊपर, काफी सॉफ्ट। अंदर मुझे इसके कैबेज, पत्ता गोभी, स्वीट कॉर्न है, और कैरेट दिख रही है विदाउट किसी चटनी के साथ। वेज मोमोज बहुत रेयर कहीं पे आपको अच्छे मिल जाते हैं। थोड़ा सा इसमें गरम मसाले का टेस्ट मुझे ओवरपावर कर रहा है। मेयो के साथ ट्राई करते हैं। एक्चुअली विदाउट मेयो लेंगे आप तब जाके वो गरम मसाला आपको ओवरपावर लगेगा। मेयो के साथ या किसी चटनी के साथ खाएंगे तो कंपनसेट कर रहे हैं। 50 रुपए की प्लेट मिल रही है आपको, जिसमें 4 मोमोज मिलेंगे, और 90 में आपको 8 मोमोज मिलेंगे वेज वाले। नॉट एट ऑल बैड भाई, इतनी अच्छी सर्विंग करके हाइजीन का पूरा ध्यान रख रहे हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब आते हैं अपने शो स्टॉपर पे, जो इनका बेस्ट सेलिंग है, तंदूरी मोमोज। ये पनीर के हैं, पनीर की स्टफिंग है इनके अंदर। पहले मैं आपको दिखा दूं, खाली पनीर और प्याज ही दिख रहा है इसमें मुझे, और हल्का सा धनिया है। अब टेस्ट करते हैं। इसमें ऑलरेडी बहुत सारा सामान लगा पड़ा है, तो इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है नहीं। स्टिल हम चटनियों के साथ भी ट्राई करेंगे, बट पहले मैं रूखा ट्राई करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा कोयले में बारबेक्यू हो रहा है, उसके साथ साथ इसमें जो ऑयलिंग करते हैं लोग, उससे क्रिस्पीनेस भी है इस मोमोज में, साथ ही साथ वो कोयले का जो टेस्ट आता है इनहेंस होके, वो भी इसके साथ आ रहा है। एक और बाइट लेता हूँ। 110 में आपको ये 4 पीस मिलते हैं, और 200 में आपको 8 पीस मिलते हैं। इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, वर्डिक्ट पे आऊँगा एंड में। चिली वाली लेते हैं, लेट्स गो। बहुत टैंगी और बहुत स्पाइसी चटनी है, ध्यान से खाना। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो थोड़ा ध्यान से खाना। इस रेंज के हिसाब से काफी अच्छे तंदूरी मोमोज आपको ये लो। रुको जरा, सबर करो। वहाँ पर खड़े होके तो मैं उनकी बेइज्जती नहीं मार सकता था, क्योंकि यार वहाँ पर बोलते इतने प्यार से भैया खिला रहे थे ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा उनका दिल दुखाने का। तंदूरी मोमोज जो थे वो ठीक थे, वेज मोमोज मुझे कतई पसंद नहीं आए। उससे अच्छा आप 60 रुपए के कोई मोमोज खा लो, बाहर कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, जो लोकल टेबल पे लगा के दे रहे होते ना वो खा लो, बढ़िया टेस्ट मिल जाता है आपको। अब आ जाते हैं उनके तंदूरी मोमोज पे। तंदूरी मोमोज वो कम थे, बारबेक्यू मोमोज आप ज़्यादा बोल सकते हो उन्हें, क्योंकि वो बारबेक्यू और थे, तंदूर में नहीं थे, वो तंदूरी नहीं थे। तंदूरी मोमोज ठीक ठाक थे, बट कंपेयर करा जाए जैसे कि उसी प्राइस में आपको थोड़ा सा 20-30 एक्स्ट्रा डाल के अगर तंदूरी मोमोज खाना है, ऑथेंटिक बढ़िया वाले तंदूरी मोमोज सिटिंग अरेंजमेंट के साथ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चटनी भी उनकी बेहतरीन होती है, मेयो भी दे देते हैं। मोमो कॉर्नर चले जाओ, तंदूरी मोमोज कभी भी मुझे खाने होते हैं मैं उधर ही जाके खाता हूँ। आपको भी तंदूरी मोमोज खाने तो आप वहाँ पर जाके जा सकते हो, उसकी पर्टिकुलर अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूँगा आपके लिए। उससे अगर कंपेयर करूँ तंदूरी मोमोज 10 out of 10 है, और उससे इसको कंपेयर करूँ तो भाई ये आधे लेवल पे भी नहीं है उसके। 200 रुपए के हिसाब से मुझे इनके तंदूरी मोमोज की वर्थ नहीं लगी। ये था मेरा जेन्युइन रिव्यू अबाउट फोमो मोमोज। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, हो सके तो ज्वाइन का बटन भी दबा देना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली वाला अरमान। पीस भू।